हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंट्स एंड ब्रशेस। और आज मैं आपके साथ वापस हाज़िर हूँ एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल के साथ। बहुत ही लंबे टाइम के बाद हाज़िर हूँ इनफैक्ट, और बहुत टाइम से शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी थी, तो आज आई थॉट के लेट्स स्टार्ट ओवर एंड कम बैक टू आवर रूटीन वंस अगैन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सा फूड आइटम पेंट किया है। आई होप कि आपको वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि आज की इस इंटरेस्टिंग पेंटिंग को मैंने किन टेक्निक्स और किन मीडियम्स के साथ पेंट किया है। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट ओवर विद ड्राॅइंग। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हाफली अपनी ड्राॅइंग जो है वो कर चुकी थी, और अब मैं आपके साथ ड्राॅइंग कम्प्लीट कर रही हूँ। एंड यू गाइज कैन क्लियरली सी कि कितनी नीट एंड टाइडी वे में आइसक्रीम जो है वो स्केच हो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सारा कुछ कर रही हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक द रबर, बिकॉज मैं जब भी वाटर पेंट्स करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं रबर से सबसे पहले अपनी ड्राॅइंग को बहुत ही लाइट कर लूँ, और इतना लाइट कर लूँ कि बस मुझे आउटलाइंस विजिबल हों, लेकिन बाकी जो है वो वाटर कलर्स करने के बाद वो लाइंस नज़र ना आए पेंसिल की। अब मैं वॉश दे रही हूँ, वन कलर का वॉश, नथिंग स्पेशल। कलर डायरेक्टली मैं इस पैलेट में से ले रही हूँ, वाटर कलर पैलेट में से, जो कि मस्टर्ड कलर है। और ये पिंक कलर का पोस्टर पेंट मैंने इसलिए लिया है बिकॉज के ये वाला शेड जो है एग्जैक्टली मेरे पास वाटर कलर्स में अवेलेबल नहीं था। बहुत लाइटली मैंने पोस्टर कलर का जस्ट एक डॉट के बराबर पेंट लिया और उसको मैंने वाटर कलर स्टाइल में अप्लाई कर दिया एक बेस कोट के तौर पे। और अब आप देख सकते हैं कि मैं पैलेट में से ही ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको मैंने वाटर के साथ मिक्स करके, तो उसको भी मैंने एक बेस कोट दे दिया है जहाँ पे चॉकलेट मेल्ट होके निकल रही है, या आप कह सकते हैं कि स्पिल कर रही है या ड्रिप कर रही है। वहाँ पर भी मैंने चॉकलेट कलर यूज़ किया है, और उसके बाद आइसक्रीम के ऊपर भी मैं चॉकलेट टॉपिंग के ऊपर एक बेस कोट दे रही हूँ। और इसी तरह जो है मैं सबसे पहले बेस कंप्लीट करूँगी एंड देन यू विल सी मी कि मैं किस तरह से ऊपर शेडिंग करूँगी। अच्छा जी, बारी आती है थोड़ी सी मज़ीद शेडिंग की। तो आप लोग देख सकते हैं कि आइसक्रीम को मैं बिस्किट को जो है वो थोड़ा सा डिटेल दे रही हूँ, एंड यू कैन सी कि मैं थोड़ा सा डार्कर शेड के साथ अब काम कर रही हूँ। मस्टर्ड में आप हल्का सा ब्राउन ऐड करेंगे तो वो डार्क शेड बन जाएगा। कोशिश कीजिए कि लाइटर से मीडियम की तरफ आएँ और फिर मीडियम से डार्कर टोन्स की तरफ आएँ, उससे ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए एक पेंटिंग को 3D इफेक्ट देने में और उसको रियलिस्टिक बनाने में। तो अब मैं आइसक्रीम के पिंक कलर के ऊपर थोड़ा सा रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद एक शेड ऐसा था जो मुझे वाटर कलर पेंसिल्स में नज़र आ रहा था लेकिन मेरे पास किट में मौजूद नहीं था, सो मैंने वो लिया है। उसके बाद चेरी में मैंने वो ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद मैं मज़ीद डिटेलिंग कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चॉकलेट कलर जो बेस में अप्लाई किया था उसको मैं शेड कर रही हूँ। इसी तरह मैंने ब्रश को वेट करके चेरी के ऊपर भी अप्लाई करना है लेटर ऑन, इसके बाद करूँगी, और उसको भी ब्लेंड कर दूंगी। अभी जो ये मैंने ऊपर टॉपिंग्स बनाई हैं आइसक्रीम की, चॉकलेट बिस्किट्स बनाए हैं, ये सब उनको शेड कर रही हूँ मैं, उनमें लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। और उसको जो है मैं अच्छे से शेड करने के बाद आप देखिएगा कि कितनी मज़े की डिटेल निकल आएगी। ओके जी, सो सबसे पहले तो ये कि जब आप सबसे लाइटेस्ट टोन सबसे पहले लगाते हैं तो उसके बाद आप मीडियम टोन लगाते हैं, तो मीडियम टोन को भी कोशिश किया करें कि हल्का सा ब्रश को वेट करके उसको ब्लेंड कर दिया करें ताकि एक ब्लेंडेड सी लुक आए और कोई भी हार्श लाइन आपके आपकी पेंटिंग में विजिबल ना हो। अब आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउन जो ड्रिप कर रहा है चॉकलेट का, उसको मैं थोड़ा सा शेड करूँगी ताकि एक प्रोमिनेंट जो है ना वो कलर हो जाए। अभी चॉकलेट का कलर आप लोग देख सकते हैं कि एक बेस कोट के साथ इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, जब तक मैं उसको अच्छे से रेंडर नहीं करूँगी, शेड नहीं करूँगी। ये मैंने सबसे पहले तमाम शेडो वाले एरिया पे डार्कर ब्राउन कलर यूज़ कर लिया है, उसको लगाती जा रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्रश को वॉश करूँगी, पानी लूँगी और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नाउ यू कैन सी कितना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया। यहाँ पर चेरी में मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी ऐड करने के बाद ब्राउन कलर लेके उसको हल्का सा शेड दे रही हूँ। आइसक्रीम के बिस्किट को मज़ीद हल्का सा शेडो देने के लिए और उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं सबसे डार्कर शेड का यूज़ कर रही हूँ, और ये आई थिंक थर्ड और लास्ट शेड होगा, और उसके साथ मैं इसके डिज़ाइन और टेक्सचर को थोड़ा सा इन्हांस कर रही हूँ।
ओके जी, तो शैडो तो मस्ट है ना, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को 3D टच देने के लिए शैडो इज़ इम्पॉर्टेंट। एक कोट देने के बाद मैंने डिफरेंट कलर पेंसिल्स ली हैं वाटर कलर किट में से ही, और उनके साथ मैं ये स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ आइसक्रीम के ऊपर, ताकि कलर का पॉप भी ऐड हो जाए और साथ में स्प्रिंकल्स के साथ एक मज़े का इफेक्ट भी आ जाए। मज़ीद शेडो को इन्हांस कर रही हूँ विद मोर डार्कर टोन्स, और इसको भी कोशिश करूँगी कि 3 टोन्स के साथ मैं इसको रेंडर करूँ। एंड ये आज की आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको पेंट करने का, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपके सामने निकली। और ये है फाइनल टच, आई होप यू लाइक्ड इट। ऑलराइट गाइस, सो ये था आज का इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल। आई होप कि आपने आज के ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा, और ये भी सीख लिया होगा कि आइसक्रीम के लिए आप कौन से मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने वाटर कलर्स के साथ स्टिक ऑन रहूं। आप लोग इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्कर्स, ग्लिटर्स, और इवन आप इसके अंदर ओरिजिनल स्मॉल साइज़ के छोटे छोटे बीड्स भी 3D फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरह से क्रिएटिवली इसको पेंट कर सकते हैं, या कौन से मिक्स मीडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे मिक्स मीडियम ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।